हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेक्शन 62 से लेके सेक्शन 67 तक। और तो ये टॉपिक जो आपके मॉड्यूल में दिया गया है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बट फिर भी हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सिंगल शॉट में ये पूरा का पूरा टॉपिक समझ आ जाए। अब सर, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से जब ये टॉपिक बनता है तो इसमें जो क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे आते हैं वो मेजॉरिटी ऑफ टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं होते, मतलब साफ है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब आपको क्या करना है, कोई भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझने के लिए सबसे आसान तरीका पता है क्या है, उससे रिलेटेड एग्जांपल समझ लो। सो स्टार्ट करेंगे सेक्शन 62 टू 67। जाने से पहले टॉपिक जरा अच्छे से देख लो। कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें परफॉर्म करने की जरूरत है ही नहीं। अब समझना, ये जब बात आएगी ना कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो हमने सेपरेट करी है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ द पार्टी। सर कंसेंट कैसा होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए। सर फ्री कंसेंट का मतलब वही लाइन हमारी, ध्यान है आपको, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे, मतलब जो तुमको पसंद वही हमको पसंद, सारे मिलके हम यहाँ मिलाएंगे, तो ये बोला जाएगा फ्री कंसेंट। दैट मींस ऑल द ऑब्लिगेशन, ऑल द कंडीशन, ऑल द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट एक्सेप्ट बाई बोथ द पार्टीज, जहाँ दोनों ही पार्टीज सारे टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करती हों तो हम बोलेंगे यस ये फ्री कंसेंट है। अगर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट अंडर इन्फ्लुएंस मिसरिप्रेजेंटेशन फ्रॉड या कोर्शन इनके थ्रू जाएगा तो ऑल दो वैसे भी वॉइडेबल हो जाना है। तो जब हम यहां बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लाइन देखना जरा, द लॉ इज कंटेन इन सेक्शन 62 टू 67 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जब बात आ गई कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, तो इस पूरे टॉपिक में 62 से लेकर 67 तक प्रोविजन दिए गए हैं। अगर आप अपना मॉड्यूल चेक करेंगे तो जरा देख लीजिए, एक बार आपको मॉड्यूल दिखाया तो जिससे आपको दिल को थोड़ा अच्छा लगेगा। आपके मॉड्यूल में सर टॉपिक यहां से दिया गया है। एक्चुअली आज मॉर्निंग में मैं देख रहा था कौन सा टॉपिक आपको दे सकता हूँ, कल वेजिंग एग्रीमेंट दिया आपने, इसकी बहुत तारीफ करी, दिल से शुक्रिया उसके लिए। तो आज ये टॉपिक जरा कॉम्प्लिकेट वो भी पिक कर लिया है, यहाँ से स्टार्ट है सर और यहाँ तक गया, मतलब ये भी है और ये भी है। अब क्या है कि इतना टॉपिक जब आप पढ़ने बैठेंगे तो बहुत ऑब्वियस ही बात है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होने की वजह से आप बोर होना स्टार्ट कर देते हो। तो बहुत ही सिंपल है, जितना दिख रहा है इतना ही है, बस जो एग्जांपल कोट करूँगा वो नोट करना है आपको। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्शन 62 के प्रिंसिपल की बात कर लेंगे। सेक्शन 62 में जो प्रिंसिपल यूज हुए हैं वो नोवेशन, रिसेशन और अल्टरेशन। नोवेशन बोले तो नया, रिसेशन बोले तो खत्म, अल्टरेशन बोले तो चेंज। तीन वर्ड बोले, नया, खत्म, चेंज। अब एक्सप्लेन करते हैं। क्रिएटिंग अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट व्हाइल द ओल्ड वन इज टर्मिनेटेड। नोवेशन का मतलब क्या है, जहां पर पार्टीज एग्री हो जाएंगी कंडीशन में थोड़ा बहुत चेंज करके, और उसके बाद वो एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म कर लेंगी, ओल्ड वन कॉन्ट्रैक्ट खुद ब खुद टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो लाइन बोली गई है, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, द ओल्ड वन इज नीड नॉट बी परफॉर्म, तो जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट है उसको परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल अगर जानना चाहें, मान लो एक प्रॉपर्टी डीलर, उसने बोला कि हम आपको 50 लाख में एक 2 BHK फ्लैट बना के देने को तैयार हैं, और वो भी हम आपको दे देंगे 31st of August तक या 31st of April तक, और क्योंकि इस टाइम की लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से वो नहीं दे पा रहा, दोनों पार्टी आपस में एग्री हो जाती हैं, वो बोलते कोई इशू नहीं है, आप एक काम करो मे एंड तक दे देना। तो जब दोनों पार्टी एग्री कर जाएंगी तो जो ओल्ड वन कॉन्ट्रैक्ट था वो खुद ब खुद टर्मिनेट होगा, एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म होगा जिसमें डेट आई की मेंशन की जाएगी, और अगर प्राइस वैरी करता है तो प्राइस भी मेंशन कर दिया जाएगा। क्लियर। सेकंड पॉइंट की बात करेंगे, रिसीजन, कैंसिल और रिवोक पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट कैन टर्मिनेट। मतलब पता है क्या है, हमको पसंद ही नहीं कि हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करें, और तुमको नहीं पसंद तुम हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करो, तो एग्रीमेंट हमें पसंद नहीं है, तो सिंपली हम अपना ओपिनियन रखेंगे फ्री कंसेंट से, वो अपना ओपिनियन रखेंगे फ्री कंसेंट से, और हम अपने कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन कर देंगे। रिजाइन करने का मतलब, कहते ना कि वो एक वर्ड बुलाता है कंपनी में, फायर्ड ऑफ, मतलब आपको निकाला जा रहा है। अब स्कूलों में कैसा था, रिजिग्नेशन लेटर देते हैं ना, रिजाइन कर दिया आता है, जॉब से लोग रिजाइन करते हैं, रिजाइन करने का एक ही मतलब है फिनिश ऑफ, खत्म करना। तो यहाँ पे भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कैंसिल या रिवोक होने वापस लेना, तो जब रिवोक हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होगा, टर्मिनेट होगा, देन नीड नॉट बी परफॉर्म। तीसरी बात आती है अल्टरेशन, जैसा मैंने बताया चेंज करना है, वन पार्टी वांट टू चेंज सर्टेन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कोई कॉन्ट्रैक्ट में बदलाव लाना चाहते थोड़ा बहुत, वहाँ पे पार्टी भी बदली जा सकती, ये भी है। तो अगर कुछ ऐसा है तो वहाँ पे जिस कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करने के लिए हम उसमें अल्टरेशन कर रहे हैं, थोड़ा बहुत बदलाव कर रहे हैं, उस बदले
जाने वाले कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। जो नया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा आफ्टर अल्टरेशन, जो नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म्ड होगा हम उसे परफॉर्म करेंगे। आई होप ये क्लियर है। सेक्शन 62 में क्या है, NRA है सर। क्या है? NRA है, मतलब नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन, नया कोई नहीं और बदलाव किया जाए, तीन चीजें। चलो बात करते हैं सेक्शन 63 की। ये थोड़ा कंफ्यूज करता है बट मैं आपको एग्जांपल दूंगा, एक मिनट में क्लियर होगा। सुनना, लिखा हुआ है प्रॉमिसी में वेव और रिमिट। रिमिट बोले तो खुद ही एग्री कर जा रहे हैं। जब यार तुम खुद एग्री कर जाओगे, मैं एग्जांपल देता हूँ, जब आप खुद एग्री कर जाओगे तो आप बाद में उस पर क्लेम नहीं ठोक सकते उस बात के लिए ना। समझाता हूँ क्या इसका मतलब। परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, एग्जांपल देखो, मान लो मिस्टर एक्स हैं, ये मिस्टर वाई को लाइक 4 लाख रुपीज़ या 3 लाख रुपीज़, कोई भी अमाउंट रख लो आप, 3 लाख रुपीज़ देते हैं। एट द टाइम ऑफ पेमेंट मिस्टर एक्स एग्री कर जाते, कोई इशू नहीं है, आप पेमेंट के टाइम में 2 लाख रुपये ही दे दो, हम एग्री कर जा रहे हैं। अगर ये सिनेरियो क्रिएट हुआ, मतलब दिया था 3 लाख रुपये, ठीक है ना, बट ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट ये एग्री कर जाते हैं 2 लाख रुपये पर ही, तो ये जो सिनेरियो होगा ये बोला जाएगा, मतलब अब ये रिमेनिंग 1 लाख के लिए इन पर केस फाइल नहीं कर सकते। और कंडीशन क्या बनी, कॉन्ट्रैक्ट विच नीड नॉट बी परफॉर्म, मतलब अब वाई को 1 लाख रुपये और परफॉर्म करने की जरूरत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी सर, लाइन देखो, प्रॉमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिस, वो वेव ऑफ कर जा रहे हैं, मतलब ठीक है वो एक्सेप्टेंस ले रहे हैं। समझना इस पॉइंट को, ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखने के लिए मैं आपको अकाउंट के टर्म में बताया, तो एक वर्ड था अकाउंट में जिसको हम बोलते थे फुल सेटलमेंट। अगर आपको ध्यान हो, फुल सेटलमेंट वर्ड कब यूज़ किया जाता था, एज्यूम करो एक्स ने वाई को दिया है 3 लाख रुपए, ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट वाई बोलता है सर 2 लाख दे दें चलेगा क्या, और एक्स बोलता है ठीक, ऑन द टाइम ऑफ पेमेंट एक्स एक्सेप्ट कर रहा है इन फुल सेटलमेंट। तो ये एजम्पशन लिया जाएगा कि एक्स बाद में उनसे 1 लाख रुपए के लिए क्लेम नहीं करेंगे। मतलब क्या हुआ, अब इस कॉन्ट्रैक्ट को रिमेनिंग पैसे के लिए Y को परफॉर्म करने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए, मतलब साफ है, कॉन्ट्रैक्ट में भी डिस्चार्ज बाय रिमिशन, लाइक डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होगा, खत्म होगा। अब बात करते हैं सेक्शन 64 की, रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, जहां पर एक पार्टी विक्टिम होगी और वो केस फाइल करेगी, क्लियर है। तो अगर आपने कोई बेनिफिट ले लिया है अंडर टर्म्स ऑफ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको रिस्टोर करना पड़ेगा, वापस देना पड़ेगा। और देखते हैं जरा, लिखा हुआ है सर इसमें, रिस्टोर एनी बेनिफिट टू द पर्सन फ्रॉम होम इट वॉज रिसीव्ड। एग्जाम्पल क्लियर, इंश्योरेंस क्लेम का एग्जाम्पल ले लो, इंश्योरेंस कंपनी ने एक, लाइक सिंपल सी भाषा में समझना, इंश्योरेंस कंपनी ने एक इंश्योरेंस करा और मटेरियल फैक्ट को छुपा लिया, ठीक है जी, मटेरियल फैक्ट छुपा लिया कि हम क्या क्या कैसे कैसे आपको पे ऑफ करने वाले हैं। अब ये सिचुएशन में जो जिसने इंश्योरेंस लिया था, आसान शब्दों में मैंने मान लो अपनी कार का इंश्योरेंस कराया, क्लियर, इंश्योरेंस कंपनी कुछ मटेरियल फैक्ट मुझसे छुपा लिए और मुझे उसके बाद जब मुझे मालूम चला तो जो मैंने EMI फिल कर दी थी, जो EMI मैं भर चुका था ऑलरेडी, क्लेम लेने से पहले अगर मुझे ऐसा रियलाइज होता है मुझे चीट किया गया है, मतलब मैं एक विक्टिम पार्टी बना, तो मैं अपने क्लेम को उनसे रिस्टोर कर सकता हूँ। लाइन क्लियर, तो यहाँ पर लिखा गया है Restore any benefit to the person from whom it was received, जिसको वो receive हुआ है उससे हम उस पैसे को restore कर सकते हैं। सर क्यों कर सकते हैं, because section 64 में इसके लिए provisions already दिए गए हैं। Next one की बात है, section 65, obligation of person who has received advantage under void। सर ये exception है, इसको बहुत अच्छे से लिख लेना, कई बार void contract आता है और हम वहाँ simply बोल देते हैं, जहाँ दोनों पार्टी दूसरे पर केस नहीं कर सकती, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बनता है, नेचुरल लव एंड अफेक्शन बनता है ना, ऐसा हम बोलते हैं, बट सुनो ध्यान से, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट बिकम्स वॉइड, एनी पर्सन हु रिसीव्ड एनी एडवांटेज अंडर सच कॉन्ट्रैक्ट इज बाउंड टू रिस्टोर, बाउंड टू रिस्टोर। नॉर्मली ये चीज़ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में देखी जाती है, बट सेक्शन 65 में प्रोविजंस किए गए हैं कि अगर आपका एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट जाके आगे वॉइड बनता है, तो अगर आपको कुछ भी रिसीव हुआ है तो आप उसे बाउंड कर सकते हो वापस लेने के लिए। इट ऑट मेक कंपनसेशन टू द पर्सन, या फिर आपको कंपनसेशन पे ऑफ करना पड़ेगा। लाइन क्लियर सर। इसके बाद सेक्शन 66 की बात आती है, कम्युनिकेशन ऑफ रिसीजन। ओके, तो अभी हम बात कर रहे थे रिसीजन की, रिसीजन क्या है, जहां पर हम कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं या फिर रिवोक करते हैं। समझना, एक प्रपोजल का एक्सेप्टेंस कैसे दिया जाता है, उधर से कबूतर उड़ा
है ना, कबूतर जा जा जा, याद है आपको, उधर से उड़ा, ये क्या ऑफर गया, अब उधर से एक्सेप्टेंस आना है। लेकिन जिस तरीके से प्रपोजल दिया जा रहा है उसी तरीके से उसको रिवोक्ड भी किया जा सकता है, मतलब साफ है, समझ लेना इसको। लिखा गया रिसीजन कैंसिलेशन, रिसीजन बोले तो कैंसिल और रिवोक करना, रिसीजन में भी रिवोक्ड इन द सेम मैनर ऑफ प्रपोजल इज रिवोक्ड, जैसे प्रपोजल को रिवोक्ड किया जाता है ठीक वैसे ही आप रिसीजन को भी रिवोक्ड कर सकते हो, सेम प्रोसेस होगा। इन शॉर्ट आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा रिसीजन, आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा कि भाई साहब हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, चलो काम करते हैं, मिल के बातचीत करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट को रिवोक्ड कर देते हैं, और ऐसा करके हम क्या करेंगे, नीड नॉट बी परफॉर्म, और हम उसे परफॉर्म नहीं करेंगे। चलो आते नेक्स्ट पॉइंट पर, सेक्शन 67, इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज फॉर परफॉर्मेंस, ये आप लोग के लिए बड़ा स्पेशल है। आप पूछो क्यों, एग्जांपल सुनना, ठीक है, फिर से पॉइंट लाइन पढ़ देता हूं। इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर, ठीक है, रीजनेबल फैसिलिटीज, जो फैसिलिटी दे रहा हूँ फॉर परफॉर्मेंस। अब लाइन सुनो, एग्जाम्पल मैंने आपके लिए स्पेशली सेट किया है। इफ एन स्टूडेंट रिफ्यूज टू लर्न, अगर एक स्टूडेंट, कुछ लोग हैं आप में से जैसे अभी तक तो लोग नहीं देख रहे होंगे उन्हीं के बारे में है, इफ एन स्टूडेंट रिफ्यूज टू लर्न द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल फॉर नॉट टीचिंग। सर अगर कोई बच्चा सीखना नहीं चाहता तो वो किसी टीचर को लाइबल नहीं ठहरा सकता। वैसे भी CA फाउंडेशन जस्ट इंट्री लेवल एग्ज़ाम, और इंट्री लेवल एग्ज़ाम में भी एक छोटा सा डेटा, एक छोटा सा आंकड़ा आपको देता हूँ। रिसेंट जो एग्ज़ाम हुआ था नवंबर 2019 में, आप क्योंकि जून 2020 में जा रहे हो, नवंबर 2019 में 80,000 अप्रॉक्स बच्चों ने पेपर दिया था, जिसमें से 58,000 प्लस बच्चे फेल थे। समझ रहे हो इसका मतलब क्या है, एंट्री लेवल एग्जाम में इतने ज़्यादा नंबर फेल, और उससे भी अजीब बात पता है क्या है, 58,000 से ज़्यादा बच्चे फेल हैं उसके बावजूद उनका आता पता नहीं है, मतलब उसमें से मुश्किल से 1,000 बच्चे होंगे जो वापस से आए हैं। इस बारे में बहुत जल्दी मैं एक बहुत डिटेल वीडियो लाने वाला हूँ जहाँ पे मैं जम के बात करूँगा, मेरी आदत है यार ओपन टॉक करने की, बिकॉज कम्युनिकेशन ओपन रहेगा ना तो आपको भी चीज़ ज़्यादा समझ आएंगी, और वैसे भी विच नीड नॉट बी परफॉर्म, उन लोग के लिए तो भाई कोई परफॉर्मेंस नहीं बनती, हमारी लाइबिलिटी सेम की सेम है। बट ध्यान रखो क्या सर, इट ए स्टूडेंट इफ ए स्टूडेंट रिफ्यूज टू लर्न, अगर आप याद करने से पढ़ने से मना कर देते हो, द टीचर कैन नॉट बी हेल्ड लाइबल, लाइबल नहीं फॉर नॉट टीचिंग, तो हम लाइबल कहीं से नहीं होंगे। तो एक बार इसको सम अप करते हैं, क्या माइंड में रखना है, और हाँ क्या ये कंप्लीट हो गया है, मेरी तरफ से कंप्लीट है, बट अब आपका काम सुन लेना, आपको मॉड्यूल उठाना, एक एक पॉइंट, एक एक एग्जांपल बहुत अच्छे से पढ़ना है, फिर ये नोट्स तो आपको बनानी है, साथ में जहाँ जो एग्जांपल आप ऐड ऑन कर सो जरूर कर लेना। जल्दी से देखते हैं सेक्शन 62 से 67 तक एक लाइन बोली गई कि वो कौन से कॉन्ट्रैक्ट जिन्हें परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। 62 में बोला गया है नोवेशन रिसेशन अल्टरेशन, नोवेशन बोले तो नया, रिसेशन बोले तो रिजाइंड या कैंसिल, अल्टरेशन बोले तो जो कॉन्ट्रैक्ट है उसी में थोड़ा चेंज करना है। सेक्शन 63 प्रॉमिसी में वेव और रिमिट परफॉर्मेंस ऑफ प्रॉमिसी, मतलब साफ है आप यहां पे फुल सेटलमेंट वर्ड दिमाग में रखोगे, जहां पे कुछ पैसा नहीं मिलेगा बट हम एक्सेप्टेंस दे देंगे। थर्ड पॉइंट की बात करेंगे रिस्टोरेशन ऑफ बेनिफिट अंडर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी पर्सन को कोई बेनिफिट मिला है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर में तो हम उससे रिस्टोर ले सकते हैं, वापस ले सकते हैं, एग्जांपल इंश्योरेंस कंपनी दिमाग में रखोगे। नेक्स्ट पॉइंट ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन हु हैज़ रिसीव्ड एडवांटेज अंडर वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी को वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में कुछ भी मिला है तो हम दो चीज़ें करेंगे, या तो उसे हम रिस्टोर करेंगे या फिर हम उससे उस अमाउंट के इक्विवेलेंट कंपनसेशन लेंगे। अगला पॉइंट आता है कम्युनिकेशन ऑफ रिसीजन, जैसे प्रपोजल का कम्युनिकेशन होता है रिवोक्ड करने के लिए, ठीक ऐसे ही कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने के लिए भी हमें कम्युनिकेट करना होगा। एट द एंड इफेक्ट ऑफ निग्लेक्ट ऑफ प्रोमिसी टू अफोर्ड प्रोमिसर रीजनेबल फैसिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, इतनी लंबी लाइन याद रखने के बजाय याद रखोगे अगर बच्चा पढ़ना नहीं चाहता तो टीचर पढ़ाने के लिए लाइबल नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, मिलता हूँ रात में 10 बजे, इकोनॉमिक्स क्लास पे जागते रहा करो, कल कुछ लोग सो रहे थे और जो टास्क दिया था कुछ बच्चों ने कवर किया था, टेलीग्राम पे सारे एक्टिव हो, यूट्यूब पे भी रहो, मिलता हूँ रात में 10 बजे, तब तक के लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।